हेलो दोस्तों, मैं अनिल। हमारे इस इंडिया टेक्नोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि आप किसी भी मोबाइल को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं सिम कार्ड से रिलेटेड हार्डवेयर सॉल्यूशन। इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेडमी 4A मोबाइल का अगर सिम कार्ड काम नहीं कर रहा है तो आप उस फॉल्ट को बहुत ही आसानी से फाइंडिंग कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, आप हमारे इस छोटे से वीडियो के ज़रिए आप अपने मोबाइल को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मोबाइल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, अब आपको मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को बजर रेंज पे सेट कर लेना है, यानी कि बीप रेंज पर। उसके बाद आपको ट्रेसिंग करनी है। तो अब आप रेडमी 4A का मदरबोर्ड लेंगे जिस पे आपको ट्रेसिंग करनी है, जिसके बारे में मैं आपको सप्लाई बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप मल्टीमीटर का एक प्रोब ग्राउंड पे रखेंगे, मदरबोर्ड के ग्राउंड पे रखेंगे, यानी कि मल्टीमीटर का रेड प्रोब आपको ग्राउंड पे रखना है और ब्लैक प्रोब से टेस्टिंग करनी है। आपको पहला पिन सिम का ग्राउंड मिलेगा, सिम कनेक्टर पे आपको ट्रेसिंग करनी है। पहला पिन आपको ग्राउंड मिलेगा, दूसरा पिन आपको NC मिलेगी जिस पे कोई भी रीडिंग नहीं, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, इन चार पिनों पर आपको रीडिंग मिलनी चाहिए। अगर आपको इन चार पिनों में किसी पे रीडिंग नहीं मिलती है तो आप उस पिन को ट्रेसिंग कर सकते हैं। ट्रेसिंग करने के लिए आप किसी भी एक प्रोब को पिन पर और दूसरे प्रोब से लाइन की क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपको उस लाइन में क्वांटिटी यानी बीप नहीं मिल रही है तो आप उसको जम्पर कर सकते हैं, या कोई कंपोनेंट ख़राब है तो रिप्लेस कर सकते हैं, और इस तरह आप अपने मोबाइल को ठीक कर सकते हैं, सिम कार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिम कनेक्टर की चार पिन पे GR मिलना चाहिए, एक पिन ग्राउंड होगा और दूसरा NC, चार पिनों पे आपको GR मिलना चाहिए। आपको किस पिन पे कितना रीडिंग मिलनी है, कितना GR मिलना है, उसका वीडियो मैं अलग से बना के डाल दे रहा हूँ, अपने चैनल पे डाल दूँगा, वो वीडियो आप सब ज़रूर देखें। हर सेक्शन का आपको GR पता चल जाएगा कि किस पे कितना आता है, कितना आना चाहिए। अगर किसी पे नहीं आता है तो उस लाइन को आप ट्रेसिंग कर सकते हैं और अपने मोबाइल को ठीक कर सकते हैं। हमारे मुताबिक अगर आपने ट्रेसिंग कर ली है, आपको सब पर सही रीडिंग मिल रहा है, तो आपको IC पे काम करना होगा, फिर आपको IC को रिप्लेस या चेंज करना पड़ेगा।